बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन हो चुका है। आप सब अपनी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ ही समय में हम अपना ये बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम बुनियादी स्तर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2022 की रूपरेखा का विमोचन एवं केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय मंच पर आ रहे हैं, साथ में उनके माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार सर, श्रीमती अनीता करवाल जी, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, श्री संजय कुमार जी, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, निदेशक NCERT। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का इस सभागृह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देश की शिक्षा व्यवस्था में आज एक अविस्मरणीय दिन परिवर्तित होने जा रहा है। आप और हम इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बहुप्रतीक्षित प्रमोचन एवं केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ करने जो जा रहे हैं, उस घड़ी के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय संस्कृति, दर्शन, परंपराएं, भाषाएं और भारतीय ज्ञान कुशलता का मौजूदा शिक्षा कलेवर में समुचित समायोजन हो सके, ऐसी संस्तुति की गई है। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति की ओर बढ़ते हुए आज हम बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा लेकर तैयार हैं, जो कि कुछ ही समय में आप सबके सामने होगी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एवं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। केंद्रीय विद्यालय के ये बच्चे सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत करेंगे, इस पावन अवसर को कर्णप्रिय बनाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद इस कर्णप्रिय प्रस्तुति के लिए बच्चों आपका, आप सब ने इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उसके लिए आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभागृह में उपस्थित सभी शिक्षकगणों को, शिक्षाविदों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति में आज हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे पास हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो भी यहाँ मंच पर आसीन है कुछ ही समय में। अब स्वागत की बेला है, सम्मान की बेला है, और इसमें एक अच्छी परंपरा का निर्वहन होने जा रहा है जो आपको जरूर मोहित कर लेगी, क्योंकि आज जो सम्मान करने आ रहे हैं उन्होंने अब तक अपनी पहचान नहीं बनाई है, वो पहचान गढ़ने की प्रयास में है और आगे बढ़ेंगे। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के ही हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा मंत्री जी को, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक पौधा भेंट कर उनका सम्मान करें। ये वो परंपरा का निर्वहन है जहां पर वर्तमान प्रेम स्नेह और सानिध्य और आशीष के साथ वर्तमान को आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा है, और निश्चित रूप से भारत अपने स्वर्णिम काल में है तभी ऐसा हो पा रहा है। बच्ची ने सर का जो सम्मान किया, धन्यवाद। अब मैं बच्ची से निवेदन करूंगा, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को पौधा भेंट कर उनका सम्मान करें, और इस मन मोहने वाली परंपरा के लिए आप सबकी तालियां खोलकर होनी चाहिए इस पूरे हॉल में, इस पूरे सभागृह में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी उन्हें ये बच्ची पौधा देकर सम्मानित करेंगी, और इन सब बच्चों की सहायता कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक। श्रीमती अनीता करवाल जी, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को ये बच्ची पौधा भेंट कर कंटेंटमेंट की फीलिंग इस मुस्कुराहट में, क्योंकि बच्चे ऐसे ही बड़े होंगे, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। श्री संजय कुमार जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पौधा भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे निदेशक NCERT प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को पौधा भेंट कर ये बच्ची सम्मानित करेगी। तो एक शानदार परंपरा, एक ऑलरेडी ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वागत की बेला को आप सबने अपनी मुस्कुराहट से संपूर्ण किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती अनीता करवाल जी से स्वागत उद्बोधन हेतु पधारने का विनम्र आग्रह करूंगा। आप सबकी करतल ध्वनि उनका आगमन गुंजायमान बनाए। आप सबको इस शुभ अवसर पर मेरा नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए अभूतपूर्व है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 2020 में, 29 जुलाई को जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली आई थी, उसका जो कार्यान्वयन है उसके लिए लोग हमें पूछते रहते हैं कि हाँ ये हो गया, ये छोटा सा काम हो गया, वो छोटा काम हो गया, लेकिन जो बड़ा काम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, वो कब होगा? और वो आज का दिन है, और इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं खास करके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को वेलकम करना चाहती हूँ, और ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो NCF है और ये जो इनिशिएटिव है बालवाटिकास का केंद्रीय विद्यालय में, ये सर की गाइडेंस के नीचे, सुपरविजन के नीचे, सर ने इतने घंटे इस पर बिताए हैं NCF के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, हमको गाइडेंस, हमारे साथ बैंगलोर गए, समय बिताया, पूरा पूरा दिन लगाया है इसके ऊपर, सर का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ब्लेसिंग अस टुडे एंड वेलकम सर। माननीय MOS अन्नपूर्णा देवी जी, जो हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय की इतनी घनिष्ठ मॉनिटरिंग करती हैं, रिपीटेडली हमको गाइडेंस देती हैं, हमारी खूब इंटेंसिव डिस्कशंस मैम के साथ होती हैं। मैम का ही ये सजेशन था कि
क्यों ना हम NCF जब फाउंडेशनल स्टेज का कर रहे हैं तो बाल वाटिका जो है उसी दिन इनॉग्रेट करें. पहले हम लोग ने सोचा था अलग अलग हो, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. मैम की गाइडेंस में हम काफ़ी अग्रसर हैं. थैंक यू वेरी मच मैम. वेलकम मैम. डॉक्टर सुभाष सरकार जी हमारे MOS हैं, बहुत कीनली हमको गाइड करते हैं. हमारी कई मीटिंग्स में सर ने ऐसे ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जो हम लोग इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मिस कर जाते हैं. सर की गाइडेंस हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है. थैंक यू सर. वेलकम सर. यहाँ संजय कुमार जी बैठे हैं, ही इज़ सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स और ये 1 December से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बनने जा रहे हैं. इनको मैं बहुत वेलकम करती हूँ. ये बिहार में मेरे साथ जब मैं सेक्रेटरी रही हूँ इसी दरमियान बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बिहार का एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा कैंपेन फॉर आइडेंटिफिकेशन इन्होंने चलाया था जिसमें लाखों बच्चे आइडेंटिफाई होकर मेन स्ट्रीम हुए हैं. तो इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं. वेलकम संजय. डॉक्टर सकलानी डायरेक्टर NCERT जो NCF की मेकिंग में डेवलपमेंट में क्लोज एसोसिएशन इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट रहा है इनका और इनकी टीम का. एक टीम को साथ लेके चलते हैं. वेलकम डॉक्टर सकलानी जी. हमारे पास सामने फर्स्ट रो पे मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बना रही है, डेवलप कर रही है, उसके मेंबर्स हैं और जो उस फ्रेमवर्क को बनाने में मदद रूप साबित हो रहे हैं, एक ऐसा मैंडेट ग्रुप है उसके मेंबर्स हैं. मैं आप सबको यहाँ पे खूब खूब स्वागत करती हूँ. हमारे साथ आज हाजिर हैं बहुत सारे सीनियर एजुकेशनिस्ट्स, हमारे ऑटोनोमस बॉडीज़ के हेड्स, उनके टीम मेंबर्स, हमारे शिक्षकगण, बहुत सारे शिक्षकगण इनफैक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन. आज हमारे सारे रीजनल ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और हमारे माननीय मेंबर्स ऑफ स्टीयरिंग कमेटी जो हमें आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो भी, और मैंडेट ग्रुप के मेंबर्स भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं. आप सबका स्वागत है. मीडिया के जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत स्वागत है. ऑल इंडिया रेडियो के जो DG हैं, आई थिंक वसुधा जी यहीं पर हैं कहीं, जिन्होंने हमको ये लास्ट मिनट में ये हॉल का अरेंजमेंट किया और ख़ुद यहाँ हाजिर हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पहला स्टेज आज लॉन्च होने जा रहा है उसके लिए आप सबको बधाई. और आप लोग को जान के खुशी होगी कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी जिनका जो हेड करते हैं इस कमेटी को, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को, आज उनका जन्मदिन भी है तो ये वो शुभ अवसर भी है. तो उनको भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय में जो 49 बाल वाटिकाज हैं उनका इनॉग्रेशन भी है, उसके लिए केंद्रीय विद्यालय को भी बहुत बधाई. आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि ये जो छोटे बच्चे थे अभी यहाँ सामने गा रहे थे, ये Class 1 से लेके Class 5 के बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय के. और इनसे मैं अभी इंटरेक्ट कर रही थी, शुमाइला और रुद्र और अजीशा वगैरह जो सब अभी पीछे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं. इनसे मैंने एक सवाल पूछा और बड़े डरते डरते पूछा कि आप लोगों में से बड़े होकर टीचर कितने लोग बनना चाहते हो, क्योंकि जो टीचर बनना चाहते हैं इसका मतलब दे आर वेरी इंप्रेस्ड विद देयर टीचर्स. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो मेनी हैंड्स वेंट अप, उनको टीचर बनना है. और ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो विद दोज वर्ड्स वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी वार्म वेलकम. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार मैडम. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द टाइम टू नो मोर अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज. To present the presentation on the same, I would like to invite Dr. Ritu Chandra ji, Director, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India. Would you please come forward to the dais, madam? Technical team is ready with the presentation. Please welcome. आप सभी को मेरा नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज बधाई का दिन है इसलिए आप सभी को बधाई और मुझे भी बहुत बधाई. पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ेंगे तो बनेंगे महान
छुएंगे आसमान और जीत लेंगे सारा जहान। अ ड्रीम, एक ऐसा सपना जो हमारे देश का हर बच्चा अपनी आंखों में संजो के रखता है, और इस सपने को साकार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा अनेकानेक प्रयास किए गए हैं। योजनाएं बनी, कानून बने, नीतियां बनी, ताकि सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अहम भूमिका निभाई है। यह शिक्षा नीति दूरदर्शिता से भरी हुई डायरेक्शनल और इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन नीति है। यह नीति न केवल स्कूली शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ती है, बल्कि यह शिक्षा के हर स्तर पर जुड़ाव की बात भी करती है। साथ ही बुनियादी अवस्था यानी कि फाउंडेशनल स्टेज पर बच्चों के सीखने और उनकी शिक्षा को महत्व देती है। अब ये बात आती है, बुनियादी शिक्षा है क्या? बुनियादी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चों के जीवन के सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनके सीखने यानी कि उनकी लर्निंग की बुनियाद रखी जाती है, नींव गढ़ी जाती है, ताकि आगे चल के ये सभी बच्चे भारत के एक सशक्त नागरिक बनकर उभरें और विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। लेकिन ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब एक सशक्त पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए और सभी तक उसे पहुंचाया भी जाए। तो आज वो दिन आ चुका है जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बुनियादी अवस्था के लिए, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज के नाम से भी पुकारते हैं, बन चुकी है और आप तक पहुंचाने के लिए हम सभी यहां उपस्थित हैं। तो चलिए, इसके लॉन्च से पहले हम सब जान लेते हैं कि इसमें खास क्या है। एक प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, आपके सामने है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकसेज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज एंड वैल्यूज among children. So according to the policy, a lot of learning opportunities needs to be given to the children to develop curiosity, because a curious child later on becomes an involved learner. So that's very important. Children should also be given opportunity to think critically, think creatively, and think critically. Apart from that, children should also be engaged in arts, craft, music, and dance-related activities, so that joy in learning is ensured and natural need and interest of the children are also addressed. A very important aspect is building the relationship, building the bond of children with the nature and environment. So a lot of opportunities needs to be given to understand the environment, to understand the nature, learn in the nature, learn from the nature, and build a bond with the nature that actually sets the foundation for life style for environment. Apart from that, a previous slide, please. Apart from that, it is very important. Apart from that, it is very important to build an understanding about colors, shapes, alphabets, and numbers. Teamwork and collaboration is very important because children learn from each other. Understanding ethics, etiquette, socialization, discover, identify, explore, experiment, and then experience the phenomena around is very important. So opportunities should also be given to the children for this. And this should happen in a playful and joyful environment where every child feels safe, secure, valued, and important. Next slide, please. All these focal areas are well taken in the NCF for foundational stage, and this framework has come out with
a hope that positive changes in the curriculum and pedagogy is there. Next slide, please. Foundational stage is a part of the early childhood care and education that starts from zero, that is birth, to 8 years. And when the child is between birth to 3 years, child is at home. The major focus at this stage is on care and learning, of care and stimulation of the children. And once the children are in preschools, the focus is shifts to the learning of the children. But what is new in this NCF? The new in this NCF is that when the moment children enter in the preschool, the focus is equally given on the care and development of the children and also on their learning. Next slide, please. Now, based on the aims of education, the curricular goals are drawn. These are the focal areas. And under each curricular goals, competencies are drawn. So what are the competencies? Competencies are the set of skills, knowledge, and attitudes which are very important for children to acquire so that they can deal with the real life situations. And under these competencies, learning outcomes are identified, which are important for the teachers, for the learners to understand where the learners are. Next slide. There are 6 major curricular goals, and the most important and the focus is given in the NCF is on ethical development and developing the positive learning habits. Next slide. If you look at the approaches that is being suggested in the NCF is on 4 important aspects. First is that we should focus on the media for instruction in child's home language, and later on, exposure to multiple oral language has to be given. And then reading and writing should also be in the child's home language. And once the children become independent reader and writer in home language, the different scripts for language can be used. Next slide. Now this NCF also suggests the content, how to choose the content for the children for different curricular areas, for development of the TLM, and for designing the learning outcomes. It also suggests the ways to organize the content in the form of project-based approach, story-based approach, thematic approach, and eclectic approach. Eclectic approach is a mixed approach, and the major main feature of the NCF is that it suggests that we should use the textbooks in a way that it helps children to understand the immediate environment and also bring children out from the immediate environment and make them understand the world. Next slide. Now, assessment is again very important. In the National Education Policy 2020, the focus is given on the holistic assessment of the children, and it should be in a continuous way. So in the same way, it is suggested in the NCF that observation is the key to assessment of children. And apart from the observation, analysis of artifacts should be the way to assess the level of the children. Next slide. Now, if you talk about the pedagogy, it is important that if you would like to ensure that the learning is happening in a good way, in a proper way, it is very important that pedagogy or teaching learning process is well planned. There is an ample opportunity to build the positive relationship among teachers, family, and communities, and they are contributing, they are involved, they are engaged in the learning and development of the children. Learning should happen in a play-based approach, in a joyful environment, and a lot of opportunities needs to be given for literacy and numeracy, and of course, environment plays a very important role. So, physically and socio-emotionally supportive environment is very important. Next slide. NCF suggests that play-based but guided and structured activities has to be designed, and for that, illustrative daily routines for different ages are suggested along with the annual school calendar that has a details of different events. Next. There are 2 important critical areas identified in the NCF. The first is early identification of children at risk.
for the developmental delay and disabilities. And for that, it is very well illustrated in the NCF, the role of foundational stage institutions and role of teachers, parents, and other stakeholders. The second important critical area is ensuring the physical and emotional safety of the children in school. So apart from the physical and emotional safety of the children, it is very important to ensure the mental health of the children, mental health of the parents and the community and the people around children. So for that, a lot of interventions are suggested, a lot of policies are suggested. For these understandings, we all should have. Next slide. This picture shows that all the important aspects are taken care, well taken care in the NCF, so that continuity of learning from foundational stage to preparatory stage is ensured. And there is a smooth transition of children from one stage to another stage. Next slide. This is last slide. So finally, the role of supportive ecosystem is very important for children. So for that, five important aspects, five important considerations are suggested in the NCF. The first is we need to ensure that the learning is happening in an appropriate environment. Second important aspect is that all teachers are trained and motivated. So motivation is an important factor. Then contribution of academic, equal contribution of academic and administrative functionaries are also important. Engagement and involvement of parent and community in the learning and development and growth of the children must be ensured. And finally, use of technology wherever necessary should be ensured. So with this, thank you so much for giving me the opportunity. And aap logon ko dobara bahut badhai. Thank you very much, madam, for this descriptive and informative presentation. और अब समय है जैसा आप सभी को सचिव महोदया ने अपने स्वागत संबोधन में भी बताया कि आज जन्मदिवस है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी का. NCF स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी आप रहे हैं. आज किन्हीं कारणों से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन उनका जो संदेश है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो हमें एक वीडियो संदेश के रूप में प्राप्त हुआ है. आइए उनका संदेश देखते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज NCF इज बीइंग डेडिकेटेड टू द नेशन टुडे थ्रू द डिवाइन हैंड्स ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी. The National Education Policy 2020, NEP 2020, is a transformative initiative to usher India to prepare itself to meet the challenging demands of a 21st century knowledge society. The NCF is one of the key components of NEP 2020 that enables and energizes this transformation, informed by the aims, principles, and approach of NEP 2020. Its objective is to realize the highest quality education for all our children, consistent with the realizing an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our constitution. This is the first ever integrated curriculum framework for children between the age 3 to 8 in India. It's a direct outcome of the 5+3+3+4 curricular and pedagogical structure of that NEP 2020 has come out with for school education. The foundational stage envisages an integrated approach to early school care, childhood care and education for children between ages 3 and 8. The transformative nature of this phase of education is expected to qualitatively improve the contents and outcomes of education, thereby impacting the lives of our children towards a better future. All studies and research related to the early period of development of a child unambiguously leads to the conclusion that high quality care and education during this period has a lifetime of positive consequences for all individuals
and thus the nation. This NCF is based on cutting-edge research from across the world in multiple disciplines, which includes, among other things, better understanding in the fields of neurosciences, brain study, and cognitive sciences. Further, the accumulated insights from the practice of early childhood care and education and the wisdom and knowledge from diverse Indian traditions are also important considerations. As articulated in NEP 2020, it uses play at the core of the conceptual, operational, and translational approaches to curriculum organization, pedagogy, time, and content organization, and the overall experience of the child. It also lays a clear path for the goal of achieving foundational literacy and numeracy as articulated in NEP 2020 with age-appropriate strategies. To ensure that this NCF is responsive to the needs and aspirations of our people and the nation, and is also informed with the very best experience and knowledge, we have conducted widespread consultations across the country. This process has benefited from the engagement of over 10 lakhs interested citizens across students and parents, over 1.3 lakh teachers and educationists from across the country, over 1,550 district level consultations from 32 states and union territories, and 35 groups of institutions. These consultations are in addition to over 500 papers on 25 specifically relevant themes written by groups constituted by the states and UTs, which together had over 4,000 experts, and 25 papers on these themes developed by the expert groups and with over 175 members constituted by the National Council of Education Research and Training. While this NCF is informed by this collective wisdom and knowledge, the real challenge came when we had to analyze these inputs and develop a cogent, pragmatic, and effective synthesis that will enable changes in practices on the ground. This in turn called for the NCF to be presented in a language, structure, and with a variety of illustrations such that practitioners, including most importantly teachers, should be able to relate it to their current realities. I emphasize this aspect of the work of this committee primarily to highlight the several challenges arising from the needs of developing innovative methods and approaches. This curriculum framework will be an integral part of the overall National Curriculum Framework for School Education, which is under development and will address the remaining three stages of 5+3+3+4 structure covering education for children up to the age of 18. So while this NCF is complete in itself, its connections and implication to other stages will be settled in the overall National Curricular Framework for School Education. Further, this foundational stage framework will also guide the preparation of the teachers for this stage of education. We believe that any such framework must be improved with feedback from implementation on the ground, and that we shall do after a reasonable experience of its implementation. I take this opportunity to recognize the vital roles played by NCERT under the leadership of Professor Saklani and the ministry led by the dynamic secretary Srimati Anita Kaval. The greatest confidence in our strategy and approaches came from the guidance and critical comments from the Honorable Minister of Education, Sri Dharmendra Pradhanji. The Honorable Minister not only reviewed the progress on the preparation of this document regularly, but also took pains to provide us with extremely valuable comments and suggestions, thereby bringing in innovative and fresh ideas. Even in the final stages of the preparation of this document,
the Honorable Minister of Education gave us a set of suggestions which are most apt and thereby found its way into this final version. The extraordinary interest, guidance and oversight from none other than our Honorable Prime Minister through his periodic and critical assessment had a significantly influential role in shaping this document. Thanks to these factors, we are all very confident that through the foundational component of the National Curricular Framework being released by the Honorable Minister today, we are poised to embark on a new era of quality and contemporary education to respond to the 21st century challenges. We are grateful for the opportunity to contribute to Indian education and through that to the country. बहुत बहुत धन्यवाद. हम यहाँ से प्रेषित करें और उनके जन्मदिवस पर हमारी शुभकामनाएं कि वे यूं ही स्वस्थ रहें और उनके ज्ञान की अविरल गंगा यूं ही बहती रहे और इसके किनारे से कुछ मोती हमें यूं ही प्राप्त होते रहें. अब इस प्रमोशन कार्यक्रम में वह क्षण आ पहुँचा है जिसका हम सब प्रतीक्षारत थे. जिसके लिए इस कड़ी में मैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों से विनम्र आग्रह करूँगा कि आप बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को प्रदान करें और हम सब इस एंड द मैंडेट ग्रुप आल्सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज आप सभी मंच पर आए. आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार इस काम को. आप सब लोग भी मंच पर आने की कृपा करें और हमारे इस बहुप्रतीक्षित क्षण को और अधिक मूल्यवान बनाएं और इसे शिक्षा जगत को समर्पित करें. नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा देते हुए और अब सर अपने हाथों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित अतिथियों और समस्त अतिथियों को उसकी प्रति देते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय मंच के अग्रिम भाग में आ रहे हैं. आप सभी अग्रिम भाग में आए और इस एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित क्षण जिसमें अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया और उन तमाम शिक्षाविदों को हम धन्यवाद देते हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन में यह सब संभव हो पाया. आप सबका अनेक अनेक धन्यवाद. बहुत बहुत आभार. आप सभी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें. और अब हम अपने इस कार्यक्रम में भी आगे बढ़ते हैं और अब बुनियादी स्तर के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उस पर आधारित एक चलचित्र हमने आप सभी के अवलोकनार्थ बनाया है जिसे हम अपने स्क्रीन्स पर देखने जा रहे हैं. Our human capital is our lifeline and to develop it, education is the backbone. Under the vision and leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for the first time in India's history,
An integrated national curriculum framework has been developed for the children's foundational stage of education, that is, between ages 3 and 8. It is a part of National Education Policy 2020, which ensures the highest quality education for all with equity and inclusion. Young children learn best through play. Play-based learning can stimulate experiences for the child's holistic development in all dimensions, such as cognitive, social, emotional, and physical, as well as foundational literacy and numeracy. Hence, the play-based transformative national curriculum framework for the foundational stage will soon be introduced. The early care and learning interventions during the first 5 years of a child's education determine the quality of overall life ahead. Therefore, the developed curriculum is backed by extensive world-class research. It also integrates India's deep tradition and knowledge. For designing this framework, exclusive consultation with focus groups of over 4,000 experts, views from over 1.3 lakh teachers and institutions, and inputs from over 10 lakh citizens have been taken. The newly devised framework guides on-ground practitioners such as teachers, syllabus developers, writers, educational institutions, and education system to deliver quality early childhood care and education through their respective media and environment. Come, let's unveil our national curriculum framework for the foundational stage, which serves the educational needs of early childhood across institutions ranging from preschools, Anganwadis, Bal Vatikas or kindergartens in the country. Let's hand this framework over to the torchbearers of our nation's growth, that is, the children and teachers of our country. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. तो देखा आपने कैसे जन भागीदारी से हमने इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया है, और अब हम शुभारंभ की उस घड़ी तक पहुंच चुके हैं जब केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ का जो क्षण है उसके हम साक्षी बनेंगे. तो आइए मैं निवेदन करूंगा कि रिमोट हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास आप लेकर जाएं. और दिस इज द मोमेंट ऑफ लॉन्च ऑफ बाल वाटिका इन केंद्रीय विद्यालय. आप सबकी करताल ध्वनि. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार. कार्यक्रम में अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि अपने मंतव्य से हम सबको कृतार्थ करें. आपका मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है, और आज भी आप सब की करतल ध्वनि उनका आगमन गुंजायमान बनाए. नमस्कार. आज की कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित आदरणीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, सेक्रेटरी स्कूल्स आदरणीय अनीता करवाल जी, वर्तमान में यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आदरणीय संजय कुमार जी जो दिसंबर से शिक्षा विभाग की दायित्व में रहेंगे, एनसीईआरटी के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर सकलानी जी यहाँ उपस्थित,
करिकुलम बनाने वाले कमिटी के सभी आदरणीय सदस्यगण, एनसीएफ के कमिटी के द्वारा नियुक्त मैंडेट कमिटी की आदरणीय सदस्यगण, विशेष करके आदरणीय अनुराग जी और शंकर मरवाड़े जी, सभी आदरणीय महानुभव, टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए देश की विभिन्न स्थान पर उपस्थित शिक्षाविद, शिक्षक, विशेषज्ञ और शिक्षा में रुचि रखने वाले सभी आदरणीय महानुभवगण, मीडिया के मित्रगण, मैं आज सबसे पहले पिछले कुछ सालों से शिक्षा नीति को, इसी सरकार की दृष्टि को, विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी कल्पना को एक सामाजिक आंदोलन की रूप देने का, जिनकी नेतृत्व में हमने आज ये सफलता प्राप्त की है, ऐसे देश की अनोखा धरोहर डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की 82nd जन्मदिन पे हम देश की ओर से उनको प्रणाम करते हैं, उनको अनेक अनेक बधाई और शुभेच्छा देते हैं। उन्हीं की मार्गदर्शन में, उन्हीं की नेतृत्व में समाज जीवन के अनेक महानुभवों को एकत्रित करके जो मसौदा 2020 जुलाई 29 में स्थापित हुई थी, लोकार्पित हुई थी, तब से लोग पूछ रहे थे कि एनईपी लागू हो गया क्या, कब लागू होगा, क्यों लागू नहीं हो रहा है, ऐसे अनेक जिज्ञासा, उत्साह, उत्सुकता, नकारात्मक टीका टिप्पणी, प्रजातंत्र में नकारात्मक टीका टिप्पणी ही अच्छे काम करने को प्रेरणा देती है, ऐसे सारे फीलिंग के अंदर धीरे धीरे मैं आज बड़े आत्मसंतोष के साथ कहता हूं, पिछले 8 सालों में जो यज्ञ चली, जो चर्निंग हुई, जो मानस मंथन हुई, उसकी अमृत धीरे धीरे टपकने लगा है। कल हमने एनईपी की रिकमेंडेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि को समाज के सामने लोकार्पित किया, इंटीग्रेटेड क्रेडिट फ्रेमवर्क जो लोकार्पित होगा, सबके सामने रहेगा, लोग उसमें अभिमत देंगे, सुझाव देंगे, उसको फिर एक अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे ही शिक्षा नीति की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर सबसे महत्वपूर्ण अंश कोई था तो स्कूली बच्चों की कैरिकुलम बनाने का काम सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक था, भविष्य को संभालने की जो सॉफ्टवेयर बनना है, सॉफ्टवेयर बनाने की काम एनसीएफ ने किया, और एनसीएफ की जो 4 स्टेज रहेगा स्कूली एजुकेशन में, एनसीएफ की जो 4 स्टेप रहेगा, उसमें से फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी सबसे चुनौती भरा, सबसे जिम्मेवारी वाला, सबसे महत्वपूर्ण था ये 5 साल की कैरिकुलम को बनाना, क्योंकि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है बच्चा 7-8 साल के अंदर 85% बन जाता है। वो जो कच्चा मिट्टी रहता है, मिट्टी एक आकार लेना शुरू करता है इन दिनों में, और उन दिनों की विषय क्या रहेगा, प्रसंग क्या रहेगा, ये सारा विषय की, इसीलिए मैंने कह रहा हूं आज इसकी सबसे, मेरे दृष्टि से एनईपी की सबसे महत्वपूर्ण विषय था एनसीएफ की फाउंडेशनल कैरिकुलम को बनाना। जिन लोगों ने उसको बनाने में नेतृत्व किया, भूमिका निभाई, उन सभी को मैं व्यवस्था की ओर से, देश की ओर से दिल की गहराई से
कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं, उनको अनेक अनेक बधाई। आपकी मेहनत आज एक रूप लाई है, ये मसौदा अभी जिसको एनसीईआरटी को दिया गया, एनसीईआरटी से यही अपेक्षा रहेगा या आगे एससीईआरटी को तुरंत पहुंचाएगा, इसको पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा, अनेक लोग उसमें मंथन करेंगे, अपने विचार देंगे, विचार लेने की भी एनसीईआरटी कुछ व्यवस्था बनाएगी, उस विचार आने के बाद फिर सिलेबस, फिर टेस्ट बुक। और मेरा तो अपेक्षा है, मैं शायद उसमें मेरा विश्वास है, एनसीईआरटी अगले सरस्वती पूजा तक, बसंत पंचमी तक इसी फाउंडेशनल समूह की जो कैरिकुलम सिलेबस टेस्ट बुक, क्योंकि कहा गया इसमें सारे में टेस्ट बुक की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारा चीज खेल आधारित होगा, कहानी आधारित होगा, पढ़ाने की पद्धति महत्वपूर्ण होगा, ना केवल बच्चों के लिए उसमें से रिकमेंडेशन है, उस समय की पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, शिक्षक शिक्षयित्रियों के लिए भी उसमें से सुझाव और पाथवेज है। ये सारे को एक तैयारी अगले सरस्वती पूजा तक हम देश के सामने रख पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस काम पे सब लोग वार फुटिंग पे हम लोग अभी लगेंगे, अभी तो एक नया दुनिया आई है। मैं देश में जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनकी दृष्टि से जो नया टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेटेड पेडागोजी बन रहा है, इमर्ज हो रहा है, मैं जब इसको कह रहा हूं कॉन्शियसली एडुटेक नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज एडुटेक की अर्थ अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे ले कंपनियां बन गए, फिर वो कभी भारत की मैप कहां दिखाते वो प्रश्न बन जाता है, मैं उनको सुधारने की सुझाव देता हूं। लेकिन इन दिनों में देश की बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टॉय बनाने में और गेम बेस्ड एजुकेशन कम्युनिकेशन की, ऐसे गाना, ऐसे पेडागोजी अनेक आ चुका है, ये सारे लोगों को अभी सुविधा होगा ये पब्लिक डोमेन में, शिक्षा विभाग की वेबसाइट में, एनसीईआरटी की वेबसाइट में। मैं अपेक्षा रखूंगा ये मसौदा, ये डॉक्यूमेंट स्थानीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट होके एनसीईआरटी देखे, ये एससीईआरटी की वहाँ होस्ट भी हो जाए, उस राज्य की जो बुद्धिजीवी है, बच्चों के बारे में लिखने वाले, बच्चों के बारे में सोचने वाले, दुनिया नए पीढ़ी की टेक्नोलॉजी वाले लड़के लड़कियां इस काम पे लगे कि इस रिकमेंडेशन के आधार पे हम कैसे अपने मेटेरियल बनाए, कंटेंट बनाए, छोटे छोटे वीडियो बने, छोटे छोटे गाना बने, इनोवेटिव तरीके की गेम्स बने, भारत की जो मूल परंपरा आधारित दुनिया है, क्योंकि इस शिक्षा नीति में हमें रूटेड एंड फ्यूचरिस्टिक, जड़ से मजबूत और दुनिया को संभालने वाला, मैं जितने वाला शब्द नहीं लगा रहा हूं, दुनिया को संभालने वाला नागरिक हमें भारत से ही बनाना है, ये हमारी दायित्व है। ग्लोबल सिटीजन की हब, जो मैं ग्लोबल सिटीजन, सभी नागरिक ग्लोब की रहते हैं, वो सब सिटीजन ऐसा नहीं है, जो जिम्मेवारी लेता है वो वैश्विक नागरिक होता है, नहीं तो बाकी लोग अपने देश के नागरिक होते हैं। समाज जब भाषा प्रांत जाति स्थानीयतावाद उसमें से फंस रहा है, भारत सदियों से वैश्विक जिम्मेवारी लेने वाला देश है, इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनः 21वीं सदी में उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा, इसीलिए इस काम को दशहरा दीपावली की अंदर भारत में अच्छे काम होते हैं, लक्ष्मी पूजा अभी अभी खत्म हुई है, इसीलिए भारत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 21वीं सदी की भविष्य की दुनिया की नींव आज हम रख रहे हैं, इसीलिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस पे सोने पे सुहागा। आज केंद्रीय विद्यालय ने, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड सरकार ने लगभग 4000 से ज्यादा स्कूल में जहां उनकी व्यवस्था थी ऐसे जगह पे उन्होंने
हम तो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से पायलट कर रहे हैं, वो तो पूरा इंप्लीमेंट ही कर दिए। बाल वाटिका जो देश की व्यवस्था में पहली बार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देश में सरकारी स्कूलों में अभी प्ले स्कूल होगा। प्ले स्कूल होता था कहां, शहरों में संपन्न घर के बच्चों के लिए केजी होती थी, गांव में या शहर की बस्तियों में आंगनबाड़ी होती थी, आंगनबाड़ी भी इसी प्रकार के काम करता था, लेकिन ज्यादातर न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान था। लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से बाल वाटिका 1, 2, 3 के माध्यम से पाठ्यक्रम पढ़ाने की व्यवस्था, पढ़ाने की पद्धति, एक लर्निंग आउटकम टारगेटेड के साथ हम एक नई मसौदा इसी एनसीएफ में फाउंडेशनल समूह के लिए आज हमने लोकार्पित किया। साथ साथ 50 स्कूल में, उत्तराखंड को जब मैं बधाई देता हूं, केंद्रीय विद्यालय को भी बधाई देता हूं। केंद्रीय विद्यालय ने आज से, अभी हम लोगों ने उस क्षण का भी साक्षी बने, देश की लगभग हर एक प्रांत में, पचास स्कूल में पायलट मोड पे बाल वाटिका 1 की पढ़ाई शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम अचानक अनजान थे, जो विषय एनसीएफ में लिखा है थोड़ा बहुत तो चर्चा में आई थी, समाज के अंदर कही बात तो एनसीएफ में है। ये सारे को आधार करके एनसीएफ की मूल स्पिरिट को आगे लेते हुए केंद्रीय विद्यालय भी आज से 50 स्कूलों में बाल वाटिका 1 शुरू कर देगी। 2 भी शुरू होगा, 3 भी शुरू होगा। तीनों प्रकार की लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड स्कूल चलाने के एक्सपीरियंस के आधार पर हम अगले शिक्षा वर्ष में सीबीएसई की सारे स्कूल्स, राज्य सरकारों से चर्चा करके उनकी बोर्ड में चलने वाले स्कूल्स, आने वाले 3-4 साल में एनईपी ने रेकमेंड किया है, आने वाले कुछ सालों में, मेरा तो अपेक्षा रहेगा शुभ काम में विलंब नहीं करनी चाहिए, उसको जल्दी ही जल्दी हम देश की सारे आयु 3 के बच्चों को स्कूल पे ले आए, फॉर्मल स्कूल पे ले आए, उसकी अनुभव ले, उसको सेलिब्रेट करें, उसको बनाने के काम पे लगे। मित्रों, देश आज सच में चुनौती भरा स्थिति में है। 1835 में भारत को उन दिनों की शासक जो लोग थे ब्रिटिशर्स, उनको ध्यान में आया कि इस देश को हम बिना बौद्धिक इंपेरियलिज्म ना लाते हुए, बौद्धिक अख्तियार ना करते हुए देश को लंबे समय चला नहीं सकते हैं। इसीलिए माननीय मैकॉले को जिम्मेवारी दिया गया और मैकॉले जी ने कोई छुपाया नहीं था, कोई उसमें से उनकी मन में कोई ग्लानी नहीं थी कि भारत को 2 कारण से हमको एक नया शिक्षा पद्धति में डालना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत को लंबे समय तक पराधीन रखना और ब्रिटिश हुकूमत को आर्थिक फायदा मिलकर रहे, ऐसा एक शिक्षा प्रणाली लाना है। मित्रों, देश आजादी का 75 साल पूरा कर चुका है अंग्रेजों से, काल भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की पराधीन मानसिकता को निकालनी पड़ेगी। मैं बहुत आज प्रसन्न हूं, उसी दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। बीच में कोई एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक सभ्यता को विस्मृति होती है, इल्यूजन आती है, कंफ्यूजन आती है, स्वाभाविक है, शायद ब्रह्मांड की नीति है, भगवान की रची हुई व्यवस्था, बीच बीच में तंद्रा आएगी। इसलिए तो साहित्यकार ने उस स्थिति को तंद्रा लिखा है, छाया लिखा है, अंधकार लिखा है, द्वंद्व लिखा है, ये सारे शब्द अनेक भारतीय भाषा में अपने अपने उपमा में लिखा गया है। ऐसे व्यक्ति को आता है, समाज को आता है, सभ्यता को आता है। मित्रों, मैं आप सबसे इतना मैं भावुक होता हूं इस विषय में, हमारी देश में हम माने हैं, हम सभी को भगवान मानते हैं, हम सभी को आस्था मानते हैं, कोई भगवान माने ना माने, हम तो चारबाग को भी पूजा करने वाले लोग हैं। चारबाग नास्तिक थे, चारबाग कहते थे कि भाई हम नहीं मानते सारे चीज को, जिंदगी भर ऋण करते, आनंद में रहो, इसे मानने वाले थे। नास्तिक को भी हमारा देश में आस्था माना जाता है। हमारी इस शिक्षा पद्धति के मेरे दृष्टि से 2 पहलू है जिसको बखूबी बनाने वाले समूहों ने उसको ध्यान दिया है,
जब मैं आज इसको लोकार्पित हो रहा हूँ, थोड़ा मैं और थोड़ा स्पष्टता के साथ एक उसकी समूह की एक प्रमुख स्टेक होल्डर के नाते मेरे समझ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मित्रों, भारत की जब हम कहते हैं भारतीय पद्धति लाना है, भारतीय पद्धति का अर्थ क्या है? भारत वैज्ञानिक पद्धति में सदैव विश्वास रखा है। हमने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था अन्नमय कोष, पंचकोष आधारित होना चाहिए। पंचकोष की अर्थ क्या है? पहला पंचकोष की पहला शर्त है अन्नमय कोष होनी चाहिए। फिजिकल बॉडी के बारे में उसमें वर्णन किया गया है, उसकी डीएनए, उसकी सेल, उसकी ऑर्गन्स, उसकी नर्व सिस्टम, संपूर्ण बॉडी के बारे में अन्नमय कोष में, फिजिकल बॉडी में वर्णन किया गया है। उसको समझाने की और समझने की इस व्यवस्था में है। दूसरा पंचकोष की दूसरा प्रमुख बिंदु है प्राणमय कोष। इसमें जो सॉफ्टवेयर, तो फिर हार्डवेयर तो बन गया, बॉडी बन गया, उसमें जो सॉफ्टवेयर लगते हैं, एनर्जेटिक फील्ड उसमें जो लगता है, जो संचार होता है, जिसमें एक औरा, जिसमें एक बायोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमारी नाड़ी व्यवस्था, हमारी उसमें से कहा गया कि भाई चक्र व्यवस्था हमारी शरीर में है, वैज्ञानिक बिंदु सब हमारी शरीर एक फैक्ट्री है कि जीवंतमान मोबाइल फैक्ट्री है। इसमें उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम संपूर्ण ज्ञान की अधिकार नहीं हो पाएंगे। इसके ऊपर एक स्थिति आती है मनमय कोष, जिसमें हमारी मस्तिष्क की कैसे हमारी आवेग, हमारी भावना, हमारी रुचि, हमारी अवरुचि, हमारी भय, हमारी शंका, ये सारे जो कंपोनेंट है वो मनमय कोष में हमको वर्णित किया गया है। उसके ऊपर विज्ञानमय कोष के बारे में वर्णित किया गया, जिसमें से विजडम, चेतना, अंतरात्मा, नीति, मूल्य, आस्था, बौद्धिक ताकत, ये सारे के बारे में कहा गया है। पांचवा कोष के बारे में, आनंदमय कोष के बारे में कहा गया है कि जॉयफुल लर्निंग के बारे में हमने भी कहा, जॉयफुल लर्निंग की तार भारत की शिक्षा पद्धति में, भारत की जीवन प्रवाह में जो कहा गया है आनंदमय कोष आधारित होनी चाहिए। यह आखिर होना क्यों चाहिए? ये एक व्यक्ति है क्या? उस व्यक्ति शायद फिजिकल बॉडी लेके चलेगा, उसमें सारे अच्छे क्वालिटी रहेंगे, उसमें से अच्छे भावना रहेंगे, चेतना, ज्ञान, बुद्धि, उसकी अंततोगत्वा, उसके मन में पॉजिटिविटी सब आएगा, लेकिन क्यों आएगा? उसकी संपर्क ब्रह्मांड के साथ क्या है? व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमिष्टि, जो चार फील्ड रहता है कॉस्मिक वर्ल्ड की, मित्रों इसी दो मूल पिलर के आधार पर पंचकोशी की व्यवस्था और व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमिष्टि से इसकी इंटरलिंकिंग, ये विषय आज हमारी एनसीएफ की मूल तत्व बनी है। ये मूल विचार को 21वीं सदी की जो आवश्यकता है, 700-800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, आज की खाद्यान्न की चुनौती, हाथ में काम देने की चुनौती, इंटरनेट आया तो बच्चे मैदान से बजाय कंप्यूटर के अंदर घुस गए हैं, नई नई चुनौती आ रहा है। इस चुनौती से उभर के ये जो 85% बन जाने वाले आयु के बच्चे, उनको संभालने की आज बीड़ा हम लोगों ने दायित्व हमारी बनती है, हम उसको उसी काम पे हम सब लोग लगे हैं। उसी दृष्टि से मैं आज कस्तूरी रंगन जी के जन्मदिन पे उससे बड़ा तोहफा उनको और उनकी कंट्रीब्यूशन देश को कुछ नहीं हो सकता है, हम लोगों ने आज देश की लाइफ में, देश की प्रवास में एक बहुत बड़ी लैंडमार्क डेट आज हमने बनाया। आज है 20 अक्टूबर 2022। ये लंबे समय तक भारत की सिविलाइजेशन को आने वाले 200 साल के बाद जब लोग समीक्षा करेंगे, जैसे हम 1835 को एक अलग दृष्टि से याद करते हैं, मेरे मित्र मान के रखिए 2020 से लेके और जिस गति पकड़ा है
और हमको कोई आगे पूछेगा नहीं कि एनईपी गया कहाँ, एनईपी अभी रास्ते में दौड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 2 साल तक देश में सारे गांव में इंटरनेट पहुंच जाएगी और 5G टेक्नोलॉजी हम देश में ले आए हैं, इसकी सबसे पहला सवारी हमारे एनईपी हो जाएगा। एनईपी की सारा रिकमेंडेशन, सारे हमारी कारिकुलम टेक्स्ट बुक उसमें बैठ के भारत की एक्सेसिबल एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन की मंत्र को लेके जाएगा। मैं आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक अनेक बधाई देता हूं और सब आइए मिलके इस विषय को एक गति दें, समाज की सभी घटकों का परामर्श ले, सुझाव ले। एक प्रजातांत्रिक देश है, सभी की इक्वल अधिकार है, एक सकारात्मक मानसिकता से हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु एनसीईआरटी के निदेशक महोदय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें सर। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उच्च शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मैं उनका जितना भी धन्यवाद दूं बहुत कम है, क्योंकि जब से मैंने ज्वाइन किया 8 महीने मुझे हो गए, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब माननीय मंत्री जी ने हमको प्रेरित न किया हो, और द्रुत गति से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार किया, हमारी आवश्यकताओं को समझा, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं, उस स्थिति में पहुँचने के लिए निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का सबसे बड़ा अगर धन्यवाद देना है तो मैं माननीय मंत्री जी का दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमको हर समय इस बात के लिए तत्पर किया कि ये शिक्षा नीति आगे आनी है और उसको आने के लिए जो हमें मुख्य दस्तावेज चाहिए था वो NCF के रूप में, फाउंडेशन स्टेज के रूप में तैयार हुआ है। उनके मार्गदर्शन के लिए मैं सर आपका सदैव आभारी रहूँगा। मुझे इस ऐतिहासिक क्षण में आपने ये दायित्व दिया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस पर खरा उतर सकूँ। आपकी और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएँ हैं, इस शिक्षा नीति को लागू करने के रूप में हम काम करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपका। मैं माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी हमको समय समय पर अपना आशीर्वाद देती रहती हैं, प्रेरणा देती रहती हैं और हमें संलग्न करती हैं हमारी इस काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं माननीय डॉक्टर सुभाष सरकार जी का, जो हमारे राज्य शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रवत व्यवहार के माध्यम से हमेशा वो हमको प्रेरित करते हैं और हमें कार्य में आगे स्फूर्ति देने के लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इस मौके पर माननीय कस्तूरी रंगन जी, जो हमारे मार्गदर्शक एक मनीषी हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, और आज जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, उन्होंने इस तरह से इस शिक्षा नीति को एक ऐतिहासिक दिन पर लागू करने के लिए एक दस्तावेज जो उनके मार्गदर्शन में तैयार हुआ, उनका आज 82वां जन्मदिन भी है और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो है नहीं, मगर आज लॉन्च हो रहा है तो अब मैं समझा कि उनका जन्मदिन के अवसर पर उनको ये उपहार देने के लिए ये रणनीति बनाई गई और इसका भी मैं श्रेय माननीय मंत्री जी को दूंगा। परसों ही हम बैठे और मंत्री जी ने एकदम कहा कि इसको सकलानी जी मैडम भी थी और ये लागू कर, ये परसों लॉन्च होना है, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि माननीय कस्तूरी रंगन जी नहीं है, मगर अब मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी सोच है कि देखिए उनको तोहफे के रूप में ये दिया गया। माननीय कस्तूरी रंगन जी सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो सचिव हैं श्रीमती अनिता कारवाल जी, निश्चित रूप से हैंड होल्डिंग का काम वो करती हैं सबका, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही हमको प्रेरित करके हर समय किसी भी परेशानी में अगर रहते हैं तो एकदम हमारा साथ देती हैं। इस दस्तावेज के निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं भी लगातार बैठकों में जाता रहा और मैडम के जो कमेंट आते थे, क्रिटिकल कमेंट आते थे, हमसे चर्चा होती थी, वो भी रेस्टलेस, हमेशा रात में भी हम फोन पे बात करते थे हर समय। तो मैडम आपका ये मार्गदर्शन, प्रेरणा, और आप इस समय अपना सेवानिवृत्ति की तरफ जा रही हैं, तो निश्चित एक उपहार के रूप में
आपको ये आप हमको दे के जा रही हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम। आपका मार्गदर्शन, भले ही आप सेवानिवृत्ति ले रही हैं पर हम आपको हमेशा याद करेंगे, आपका सहयोग लेंगे मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रकार से हमें मजबूत करने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। अभी मंच पर भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जी हैं और मुझे हर्ष हो रहा है जानकर के कि अब वो हमारे 1 तारीख से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सचिव के रूप में दायित्व लेने वाले हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके लिए भी ये बहुत बड़ा तोहफा है सर कि आप अगले महीने ज्वाइन दिसंबर में ज्वाइन करेंगे, मगर एक उपहार के रूप में आपको भी ये दस्तावेज मिल रहा है। आगे ऐसे दस्तावेज और बनेंगे और आपके सहयोग की हम अपेक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी स्टीयरिंग कमेटी के सम्मानित सदस्यों को, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या समिति थी उसके सभी सम्मानित सदस्यों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको, और जो ऑनलाइन जुड़े उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से लगातार गहन मंथन, चिंतन, विचार विमर्श, परामर्श हम सबका होता रहा और हमने इस द्रुत गति से आप सबके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में काम किया कि हमें दिन रात का पता नहीं चला और बहुत सुखद अनुभूति हुई हमको। तो माननीय जो हमारे सदस्य हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति के, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने मन से, अंतर मन से धन्यवाद देता हूँ। अपने मैंडेट ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों को, उनके चेयरपर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी फोकस ग्रुप के, राष्ट्रीय फोकस ग्रुप और राज्य फोकस ग्रुप के जो सदस्य थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत से जो पोजिशन पेपर्स बनाए उन्हीं के माध्यम से हम उसमें से जो तत्व तो निकाल पाए उससे दस्तावेज तैयार है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी अपने NCERT के परिवार के सदस्यों का जिन्होंने कि दिन रात खड़े होकर के हमारे साथ मिल करके इस बीड़े को आगे बढ़ाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे माननीय मंत्री जी ने अपेक्षा की है, मैं आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम जो आपको सरस्वती बसंत पंचमी का जो दिन है सर वो भी ऐतिहासिक होगा। मैं अभी से अपने साथियों के भरोसे ये आश्वासन दे रहा हूँ। मैं अपने सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी ऑटोनोमस बॉडी के जो यहाँ पे हेड हैं, केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, NCT और जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे तमाम सम्मानित लोग हैं, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हैं, माननीय रघुनंदन जी हैं और हमारे सब साथी जितने यहाँ पे हैं शिक्षाविद, उन सबको मैं अपने मन के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। सभी जो मिनिस्ट्री के अधिकारी लोग हैं उन सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चे जिन्होंने कि इतना अच्छा यहाँ पे सरस्वती वंदना के माध्यम से सरस्वती पूजा तक के लिए हमको आगे बढ़ने के लिए तैयार होने के लिए एक मंत्रोच्चार किया, यहाँ पे मैं प्रार्थना की, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जितने भी यहाँ पे फिजिकली और वर्चुअली जुड़े हुए हमारे अतिथिगण हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को, डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के लिए, न्यूज़ को, क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे अचानक ये कार्यक्रम बना और उन्होंने अपने टीम के साथ जिस प्रकार से हमको फैसिलिटेट किया, हमें लग नहीं रहा कि एक दिन पहले हमने ऐसा सोचा और आज ये इस तरह से व्यवस्था संपन्न हो रही है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भी सब लोग इसमें कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो वर्चुअली जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बनने के लिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब वही प्यारे बच्चे जिनका अभी उत्साहवर्धन किया है हमारे निदेशक महोदय सर ने, वे मंच पर आ रहे हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथियों और सभागृह में उपस्थित सभी शिक्षाविदों, शिक्षकगणों और महानुभावों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।